ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। एक और महामारी की मार है और गरीब आम लोगों के लिए सरकार का खजाना खुला हुआ है, मगर आपदा की इस घड़ी में भी लोग पीएम राहत के नाम पर गरीब मजदूरों से अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां पर नगरपालिका दफ्तर में नगरपालिका का कर्मचारी बनकर एक युवक गरीब मजदूरों से अवैध वसूली करता हुआ पकड़ा गया। इन्होंने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है। आप जिस युवक को देख रहे हैं, दरअसल ये वही युवक है जो लोगों को झांसा देकर सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। जैसे इसकी शिकायत नगर पालिका प्रशासन के पास पहुंची, यो नगर पालिका निहाल चंद कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे और इस युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये गरीब मजदूरों से 20-20, 30-30 और 50 रुपए तक की वसूली कर ले रहा था। एक और जहां गरीबों के पास पैसा नहीं है, ये वसूली में लगा था। चलिए जानते हैं निहाल चंद, ईओ नगर पालिका बुलंदशहर ने इस बारे में क्या जानकारी दी है। कर्मचारी पहले नगर पालिका का ठेकेदारी के माध्यम से लगाया गया था, काम न करने की वजह से इसको 2 साल पहले निकाल दिया गया था। लेकिन ये लगातार हम लोगों को शिकायत कर रहा था दोबारा वापसी के लिए, लेकिन इसके गलत कामों की वजह से हम लोगों ने लिया नहीं जो है। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यह यहाँ जो लोग अपने गवर्नमेंट से लाभ मिलने वाली योजनाओं के फॉर्म भर रहे हैं, उनसे यह वसूली कर रहा था, जैसे मुझे पता चला मैं इसको पकड़वा करके अंदर लाया जो है, और यहाँ से इसको पुलिस के सुपुर्दगी में दे दिया। सर, ये किस चीज़ के लिए करके वसूली कर रहा था, कौन सी योजना पर स्पेशली? सरकार के द्वारा जो मिलने वाले 1000 रुपये मिलने थे मजदूरों के लिए या गरीबों के लिए, उन गरीब लोगों से यह पैसे वसूल रहा था फॉर्म भरवाने के नाम पर। वहीं इस आरोपी युवक का दावा है कि कागज पूरे करने के लिए मजदूरों से पैसे ले रहा था और वो अपनी मर्जी से उसे ये काम के लिए पैसे दे रहे थे। 4 मोदी वाले पैसे आ जाएंगे और तुम, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, 30 रुपए दे दो। तो मैंने कोई गलत कर दिया? अच्छा, 30 रुपए लिए तो फॉर्म भरने के लिए आया थे? नहीं, कागज के कागज यहाँ जमा करने आई तो यहाँ जमा हुए ना मेरे, क्योंकि मैं लिस्ट से अभी मुझे सामान मिल रहा, राशन तो किताब गई लॉकडाउन के बाद मिलेगी, अब लिस्ट है उससे मुझे राशन मिल रहा। मैं गरीब आदमी, मेरे बच्चे किराए पर रह रहे हैं, तो इसी से मैं आई थी यहाँ, तो ये कह लगे अभी जमाने होंगे, राशन कार्ड ना मिले, राशन कार्ड आ जाएगा, वो मोदी के पैसे आ रहे तो मैं किराया पटा दूंगी, मकान मालिक नहीं कहा तो मैं चल गई। ये बोला गया उनको, कहा हुआ काम मैं नहीं तो लाओ मैं कर दूंगा। इनका फार्म लिया, 1 रुपये का फार्म ले गया, इनने कही फिर पैसे हैं, मैं बोली 30 रुपये हैं, तो कह लगा मुझे दे दो लाओ, तो इन्होंने ले लूँ मैं करवा दूंगा। मतलब मैं तो यहाँ आई थी फार्म देखने, तो मैं जा रही थी, ये कह लगा कि क्या क्या मैं तुम्हारा काम करवा दूँ। मैंने भैया मुझे पैसा ही ना, मैं पैसों के लिए तो यहाँ ही, और वो पैसों तो मैं खुद ही ना कर लेती, तो ये बोला मेरे को 20 रुपये दे देना मैं करा दूँगा। क्या काम था? यही जो 1000 रुपये आ रहे थे खाते में वो आए नहीं।